बोट्स एंड स्ट्रिंग्स। बोट क्या होती है? बोट होती है। और स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम होता है पानी। मतलब बोट और पानी, जब बोट चलती है तो उसका क्या स्पीड वगैरह पे क्या चेंजेस आती हैं वो हम करेंगे। देखो, एक होते हैं हम बोटिंग करते हैं। बोटिंग किसमें करते हैं? खड़े हुए पानी में। तो क्या होता है उसमें? स्पीड किसकी होती है? पानी की स्पीड तो होती नहीं है, सिर्फ बोट की स्पीड होती है। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर, उसको हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को जरूरी नहीं स्ट्रीम बोले, वो वॉटर भी बोल सकते हैं, वो करंट भी बोल सकते हैं, उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, आपने सुना होगा राफ्टिंग, जैसे हम कुल्लू मनाली वाली साइड पे जाते हैं तो राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग क्या चीज होती है? पानी चल रहा होता है, बोट लेके हम जाते हैं। उसमें क्या होता है? दो तरह की होती है राफ्टिंग भी, दो तरह की होती है। एक सेम डायरेक्शन में, किसकी सेम डायरेक्शन में? जिस साइड पानी जा रहा है। देखो, मैं बोट लेके जा रही थी, पीछे से पानी भी चलना स्टार्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड ने उसकी बोट की स्पीड में ऐड ऑन हो गए और वो दोनों क्या हो गए, इसलिए स्पीड बोट की बढ़ जाती है। जिस साइड पानी जा रहा है, अगर हम उसी साइड पे जाते हैं तो उसका एक नाम है, उसका नाम क्या है? डाउन स्ट्रीम। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को एक और चीज भी बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? पानी के साथ जाना। तो इसलिए इसको एक और नाम भी बोला जाता है, इन फेवर ऑफ या फिर अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, इन फेवर ऑफ स्ट्रीम या फिर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब पानी के साथ साथ जाना। उसमें क्या होएगा? बोट की स्पीड और पानी की स्पीड प्लस हो जाएगी, मतलब ये और ये स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर पर। ठीक है जी। और अगर भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पानी जा रहा है उस तरफ, मैं आ रही हूँ उस तरफ से, मतलब पानी उधर से जा रहा है, मैं उधर से आ रही हूँ, बहुत फोर्स लगेगी, बहुत टाइम लगेगा वापिस आने में। क्यों? क्योंकि हमें, क्योंकि क्या होता है, उसकी स्पीड, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड माइनस हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ओ सॉरी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का नाम एक और भी है, उसको क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द स्ट्रीम। उसमें क्या होता है? एक्स माइनस वाई उधर। ठीक है, तो अब अगर बोट की स्पीड दे रखी हो, पानी की स्पीड दे रखी हो, तो डाउनस्ट्रीम में क्या करना है? बोट की स्पीड और पानी की स्पीड प्लस होएगी। और अपस्ट्रीम में क्या करना है? बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होएगी। ठीक है, ये तो थे, अगर ये दोनों दे रखे हो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालना हो। अब उल्टा करते हैं, अगर डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो और बोट की स्पीड या फिर पानी की स्पीड निकालनी हो, तो कैसे निकालते हो? देखो, उसके भी फॉर्मूला होते हैं। जैसे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, उसको हम डी ले लेते हैं, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम को हम यू ले लेते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर, क्या फॉर्मूला है उसका? हाफ डी प्लस यू। और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ डी माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये चार फॉर्मूले ही है। डाउन स्ट्रीम पे क्या करना है? पानी की स्पीड और बोट की स्पीड प्लस करनी है। अपस्ट्रीम पे बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होएगी। और अगर बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दे रखी है, नहीं सॉरी, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो बोट की स्पीड कैसे निकलेगी? हाफ डी प्लस यू। और स्ट्रीम की स्पीड क्या निकलेगी? हाफ डी माइनस यू। ठीक है, तो यही चार फॉर्मूले हैं जो बोट और स्ट्रीम चैप्टर में लगेंगे।
पूछनी है और आपने एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पे सिर्फ स्पीड की बात हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। तो अगर बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर करना है तो सिर्फ हमें स्पीड का ही मैटर सोल्व करना है, ठीक है जी।